दीपावली की बहुत सारी बधाई आप लोगों को। और ये देखो जो यहाँ पे भिंडी लगी हुई है ना, बहुत बड़ी बड़ी, स्वाद नहीं आया ना, तो ये चाय पत्ती गिराई ना आपने। अरे मोटा नहीं हुआ भाभी। आज आपको एक बढ़िया वाली खबर हम सुनाने वाले हैं। फाइनली दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं, ऐसा एहसास है कि आप पूछो मत, आपको कैसा लग रहा है? हेलो द वीडियो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल एकदम चकाचक हूँ। सुबह के अभी ठीक 8:30 का टाइम हो रहा है और सुबह सुबह ही दोस्तों आज हमारी वही सफाई शुरू हो गई है। आज संडे का दिन है और कुछ दिनों में दीपावली भी आने वाली है, तो आप सभी को भी दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से दीपावली को मनाएंगे और पॉल्यूशन वही कम फैलाएंगे, क्योंकि जो पॉल्यूशन वाले फटाके होते हैं ना, वो भाई खतरनाक वाला पॉल्यूशन फैलाते हैं, खास तौर से भाई शहरों में, तो भाई इतना ज्यादा पॉल्यूशन होता है ना। गोलू बुला के क्या प्लान है? गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, और क्या हाल हो रहा है फिर? बस बढ़िया। क्या प्लान है आज का? कुछ नहीं। साफ सफाई नहीं होगी? लाइब्रेरी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। तो आपको बोला आज जिम्मेदारी है भाई, बोल नाश्ता बनाओ, बाकी सारे लोग तो व्यस्त हो रखे, बहुत दिनों से बोला आपके हाथों के परांठे नहीं खाए। खाए ही नहीं, खाए ही नहीं हमने तो खूब खाए हुए। गोलू बुला ने बढ़िया बढ़िया परांठे खिलाए हमें कई बार। अब तुम इसको पटाओ है, मेरे को नहीं खिलाए हैं। सही बात है। तो ये देखो ये आटा हमारा यहाँ पे गुथ गया है बढ़िया से, यहाँ पे आलू लग गए हैं फर्स्ट क्लास ढंग से, तो आज आलू के परांठे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तो कोशिश ही हो रही है, सोच रहे हैं कि कौन परांठे बनाएगा भाई। और रश्मि बोल रही है कि गोलू बनाएगा। गोलू बोल रहे मैं तो वो लाइब्रेरी जा रहा, बाकी तुम जाने। और बाकी अर्ची तो भाई अंदर लगी हुई है कपड़े धोने पे, दीपावली आने वाले ना, तो इसलिए सफाई कर रहे हैं। दीपावली की बहुत सारी बधाई आप लोगों को इन एडवांस। अर्ची ने भाई बहुत जिद करी, मैं कपड़े तो नाश्ता बना, आज परांठे आप बनाओगे। अच्छा, तो देखते हैं भाई दोस्तों क्या क्या होता है आगे आगे। बाकी भाई दोस्तों मैंने भी पर्दे वगैरह की रोड वगैरह साफ करी, पंखे वगैरह साफ करे। तो अभी देखिए जी हम आगे हैं खेत में, और ये देखो जो यहाँ पे भिंडी लगी हुई है ना, बहुत बड़ी बड़ी, ये आप खाली बीज के लिए बच गई है। तो गोल बुला और मैं इसको भाई किनारे रख देंगे, तो ये खाली बीज के काम आने वाली है। अब ये देखो भाई दोस्तों कितनी सारी भाई इस पर भिंडी लगी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी हो रखी है भाई भिंडी। तो इस बार ना हमने बहुत सारी भिंडी खाई, कहते हैं भाई मेहनत करोगे तो फल तो जरूर मिलेगा। चलिए जी बढ़िया से भाई पूरे खेत से अभी हमने भिंडी के जो पेड़ है वो काट दिए हैं, और जो इन पे भिंडी लगी हुई है वो अभी हमने यहाँ पे सुखाने के लिए डाल दिए हैं। धूप से ये अच्छे से सूख जाएंगे तो इनके बीज भाई काम में आ जाएंगे। आपको दोस्तों आज के मौसम का हाल चाल भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए मौसम बिल्कुल एकदम साफ है, बढ़िया सी धूप भी लगी हुई है। सुबह से तो मौसम बिल्कुल एकदम गुम सुम सा था, ऐसा लग रहा था कि बारिश हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे भाई जैसे जैसे सुबह हुई आसमान साफ होते गया। अब भाई दोस्तों एक बारिश की बिल्कुल सख्त ज़रूरत है देहरादून में, धूल मिट्टी ना बहुत ज़्यादा होने लग गई, तो बारिश होनी भी ज़रूरी है। तो अभी दोस्तों बढ़िया से यहाँ पे नाश्ते की तैयारी चल रही है परांठे बनने की। हाँ जी मैडम जी। हाँ जी, वो खुशबू तो बड़ी प्यारी है यार, कौन कौन से मसाले मिलाए हैं? वैरायटी वैरायटी के, खुशबू भी नहीं जाना चाहिए, पहले बनने दो, पहले कैसा बनता है पहले ही नज़र मत लगाओ। हमारे घर पर भी दोस्तों भांति भांति के लोग हैं, कोई फीकी चाय वाला है, कोई ग्रीन टी वाला है, कोई दूध की चाय वाला है, कोई चाय ही नहीं पीता। यहाँ पे दोस्तों बढ़िया सी चाय हमारी उमड़ने लग गई है, फर्स्ट क्लास परांठे भी तैयार होने लग गए हैं गर्मा गर्म। देखो जरा स्वाद, देखो जरा। अरे चाय पत्ती अचानक से गिर गई मैडम, आई एम सॉरी। गोलू बुला भी आ गया है निरीक्षण करने, अभी थोड़ा सा बड़ा सैप बन गया ना, अभी नाश्ता नहीं बनाता है जी मैडम जी। अब ये खाली निरीक्षण करता है कैसे कैसे बन रहा है। ठीक बन रहा है साहब? हैं बढ़िया। अब इसने सोच रखा बस खाली भाभी के हाथों में खाना, भाभी को नहीं खिलाना है भाई। खिलाएगा एक दिन वो भी आएगा। मोटा नहीं हुआ भाभी के हाथ। हाँ जब तक बोले मोटा नहीं हुआ भाभी के खाना खा के। सुन लिया, तब तक आप भी खिलाओगे परांठे। मोटा कैसा होगा भाई, घी के परांठे तो खाता नहीं, मक्खन के परांठे तो खाता नहीं, ये तो नामुमकिन है। ये तो इसने ऐसी शर्त लगा दे हैं, इसीलिए नहीं खाते ना, इसीलिए तो ऐसी शर्त लगा रहा है। आज घी के हैं,
ये देखो भाई घी के हैं वो हल्के फुल्के हैं, वो मैं बाद में दे दूँ। तो बढ़िया से हमारी यहाँ पे चाय भी बन गई है, तो हम पहले भाई दोनों भाई नाश्ता कर लेते हैं, वो पराठे बन गए हैं और हम लग जाते हैं। तो अर्चिन है भाई दोस्तों, ये देखो एक बाल्टी कपड़े धो दिए है। तो बढ़िया से भाई दोस्तों हमारे यहाँ पे पराठे बन गए हैं, चाय बन गई है, तो बढ़िया से सुबह सुबह का नाश्ता करते हैं। तो जरा गोलू बुला के पूछते हैं कैसे हो रहे भाई पराठे? बहुत बढ़िया, शानदार हैं, ऐसे ही बनाते रहे बल भाभी जी, मजा आते रहे। ये देखो भाई फटाफट भाई ने भाई दो पराठे दबा दे, दो दबा दे कि एक ही दबाया भी? दो दो दबा दे। अरे वाह स्पीड बढ़िया है यार, अरे वाह गजब, मजा आ गया है। बहुत बढ़िया हो रहे, आज की तारीफ कर रहा गोलू आपका देवर। पहले खाने से पहले अच्छा संडे फेमस डिश है आलू के पराठे और कड़ी चावल। आलू के पराठे और कड़ी चावल भाई संडे को तो हमारा आलू के पराठे कड़ी चावल खाने वाह, संडे के दिन आना पर और टाइम सही बात है भाई। दोस्तों बहुत विशेष परिस्थितियों में मैं तीन पराठे खाता हूँ, देखो आज मैं तीसरा पराठा खा रहा हूँ अभी, यानी कि भाई जो पराठों का स्वाद है लाजवाब। तो अच्छे से भाई दोस्तों पराठों का नाश्ता हो गया सुबह सुबह के टाइम पे, मस्त जबरदस्त पराठे हो रहे थे। मैं ना तीन पराठे कम ही खाता हूँ, आज भाई पूरे तीन पराठे खाए, मजा ही आ गया भाई पराठों का नाश्ता करने में। और यहाँ पे अब मैडम जी आराम से बैठ के अब खुद नाश्ता कर रही है, अर्चित भाई अंदर लगी हुई है अपने गाने गाने पे और कपड़े धुलने पे। हाँ जी मैडम जी कुछ कहना चाहोगे? सब कुछ है पराठे पर स्वाद नहीं है ये मेरा वाला डायलॉग मार लिया, सब कुछ है पर स्वाद नहीं है। नाश्ता हो रहा है और एक दिन जब ना मेरी बड़ी वाली ननद पराठे बना रही थी ना, तो मुझे बहुत याद कर रही थी कि भाभी लोग पराठे बहुत पसंद है, तो आज मैं उनको याद कर रही हूँ कि आप भी आ जाओ, आपको भी पराठे बहुत पसंद है, आप ब्लॉग में देख रहे तो आपके लिए भी पराठे। सही बात है, आपकी बहुत याद आ रही है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ज्योति ऐसे याद कर रही थी कि पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो आज ये ज्योति को याद कर रही है। आई मिस यू। तो बढ़िया से भाई दोस्तों अभी साफ सफाई चल रही है और नाश्ता हमारा हो गया है, मैंने भी अपना हथियार भाई अपने हाथ में उठा लिया है, बढ़िया से अब साफ सफाई करते हैं। हाँ जी मैडम जी चल रही सफाई? तो मैडम भाई अभी बढ़िया से फ्रिज की सफाई करने पर लगी हुई है, ये काम भी जरूरी है, गर्मियों में बेचारा हमारा फ्रिज बड़ा साथ देता है। बाकी भी दोस्तों अर्चना भाई ने भी बढ़िया से कपड़े वगैरह धुल दिए हैं, अभी नहाना धोना हो रहा है। तो अभी दोस्तों दिन के ठीक 12 बज गए हैं, मेरा तो बढ़िया से नहाना धोना हो गया है, बाकी भाई इन लोगों की ना अभी भी सफाई चली रही है लगातार सुबह से। हाँ जी मैडम जी कब तक होगी भाई सफाई का काम पूरा? ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है यार आज। ये देखो भाई पूरा सामान इधर को ऐसे फैला हुआ है। देखो भाई हमारे ना चावल ना काफी ज्यादा बर्बाद हो गए हैं दोस्तों, एक बड़ा कट्टा लाया था बरसात के मौसम में और ये भाई पूरा खराब हो गया है। इसके अंदर के चावल दिखाता हूँ मैं आपको कैसे हो गए, तो ये सीलन के वजह से ना ये खराब हो गए पूरे चावल, तो अभी इतने सारे ना ये फेंकने पड़ेंगे, 10 किलो के आसपास होंगे ये पूरे फेंकने पड़ेंगे, ये ऐसे कुछ हो गए। तो इससे भाई दोस्तों हमें ये सीख मिलती है कि बरसात के मौसम में ना बिल्कुल भी चावल वगैरह ज्यादा स्टोर मत करो। क्यों जी क्या हाल चाल है? बढ़िया स्वस्थ मस्त। तो आर्ची बुल्ली का भी बढ़िया से नहाना धोना हो गया है और सुबह से भाई इसने बहुत सारा काम करा, दुनिया भर के कपड़े धुले। कैसा लगा था वो आपको दुनिया भर के कपड़े धुल के? धुलते रहते हैं, छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े काम होते रहते हैं। दूध वाला आता है ना उसको पकड़ा देंगे हैं, वो ना अपने गाय के लिए पका देगा इससे बढ़िया से। तो भाई दोस्तों बर्बाद होने से तो अच्छा है कि अपने गाय के लिए वो भात वगैरह कुछ भी बना देगा उन चावलों में, 10 किलो से भी ऊपर होंगे वो चावल, पूरे खराब हो गए, बड़ा बुरा लग रहा है यार कसम से। तो दिन के दोस्तों अभी ठीक 2 बजे का टाइम हो गया है और अर्ची बुली यहाँ पे खाना पीना बनाने की तैयारी करने लग गई है। तो अर्ची बुली क्या बन रहा है आज खाने में? आज मिक्स दाल और चावल बन रहे हैं हमारे बढ़िया से। तो अभी चावल की धुलाई हो रही है और यहाँ पे दाल हमारी बन के तैयार हो गई एकदम, ये देखो। बाकी भाई दोस्तों सुबह से सारे लोग लगे हुए थे साफ सफाई करने पे, फाइनली सफाई का जो काम है वो पूरा हो गया है हमारा। दिन के ठीक 2:30 बजे का टाइम हो गया है और हमारा लंच भी बनके बिल्कुल बढ़िया से तैयार हो गया है। आरसी बुली ने बड़ी मेहनत से वही लंच बनाया आज दिन का। नहीं बनाया मेहनत से ऐसे बनाए बोलो, ये तो हमारा रोज का काम है, डेली चलता रहता है। बाकी भाई दोस्तों मैडम जी भी बढ़िया से नहा धो के तैयार हो गई है, ऊपर फोन पे लगी हुई है। हाँ जी आगे
4:30 का टाइम हो गया है। बढ़िया से भाई दोस्तों हमारी चाय वाय बन गई है और दिन में खाना पीना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया। बाकी भाई दोस्तों आज आपको एक बढ़िया वाली खबर हम सुनाने वाले हैं, अपनी जिंदगी बिल्कुल खास वाली खबर। और ये खबर रश्मि सुनाई है आपको। रुको रुको भाग रही अंदर। बड़ी मुश्किल से मनाया मैंने कि यार चलो हमारी यूट्यूब फैमिली है तो भाई उनको भी सुनाना जरूरी है और उनके साथ भी अपनी बातें शेयर करनी जरूरी है, क्योंकि आप सब लोग जो हैं भाई हमारे सब्सक्राइबर जो है, हमको ही पता है भाई एक एक सब्सक्राइबर हमारा कैसे आया बिना किसी के सपोर्ट से। और आप सब लोगों का ही प्यार है दोस्तों कि हमारी YouTube फैमिली अब 6400 के आसपास होने वाली है जल्दी। हाँ जी मैडम जी, क्या हाल चाल हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? तो छत के ऊपर चलें बढ़िया से लाइट में, हैं चाय वाय पीते हैं अभी है? रुक रुक के सुनाएंगे आपको हैं। आरती बोली कैसे हो? फर्स्ट क्लास। बाकी हमारे भ्राता श्री बस चम लगा रखे इसने सिरवान आवाज न पहुंचे। अभी हम छत के ऊपर आ गए हैं चाय पीने के लिए, और हम पहाड़ी दोस्तों ऐसे ही होते हैं भाई, जब तक छत के ऊपर नहीं गए चाय पीने के लिए तब तक मजा ही नहीं आता चाय पीने का। है जी मैडम जी, इवनिंग टाइम पे। इवनिंग टाइम पे हाँ। बिल्कुल बिल्कुल थक हाँ गए छत पे आते आते। आरती अभी आ ही रही है। तो मैडम जी को यार सांस ही नहीं आ रहा बोलने का है? सुना दो यार हमारे सब्सक्राइबरों को यार कुछ खबरें। हाँ अपनी चाय हजम करूंगी तब तो उससे पहले नहीं बताएगी, पहले चाय हजम करेगी। अरे यार इतना इंतजार। तो भाई दोस्तों अकेले ना रश्मि का मन नहीं कर रहा बोलने का, या ये समझो कि बस की बात नहीं हो रही है बोलने की। तो आपने थंबनेल में भी देख ही लिया होगा और बीच बीच में मैंने आपको कई बार कई वीडियो में हिंट भी दिए है, मतलब क्लियर मैंने कभी बताया नहीं लेकिन वैसे हिंट दिए मैंने खाली ना। तो फाइनली दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि हम अभी भाई पेरेंट्स बनने वाले हैं, यानी कि भाई मम्मी पापा बनने वाले हैं। नए साल में भाई दोस्तों हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, सपोर्ट किया, और सबसे पहले धन्यवाद माता रानी का कि माता रानी ने भाई हमें ये खुशी दी है। और बिल्कुल है, और अपने मम्मी पापा को भी हम शुक्रिया करेंगे कि उन्होंने हमें धरती पर लाया है कि नहीं। और बाकी भाई दोस्तों ऐसा एहसास है कि आप पूछो मत, आपको कैसा लग रहा है? ऐसी फीलिंग है कि कुछ बताया नहीं जा सकता। फील गुड ना? तो भाई ये वो एहसास है दोस्तों, वो तभी पता चलता है एहसास जब आप खुद मम्मी पापा बनने वाले होते हैं या फिर बन गए होते हैं। तो पहली बार लाइफ में हम माता पिता बन रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये ऐसी फीलिंग है कि जिसको भाई शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, ऐसी फीलिंग है। तो फाइनली दोस्तों आप सभी को मैंने बता दिया है 2025 में भाई दोस्तों हमारे घर में एक नन्ना सा मेहमान आएगा, उसका सभी को इंतज़ार है, सारी फैमिली को। और मेरे को लगता है कि कुछ कुछ हमारे YouTube के जो मेंबर हैं जो हमें बेहद प्यार करते हैं, कुछ मेंबर तो ऐसे भी हैं इसके हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं इतना प्यार करते हैं। तो उनको भी भाई बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, और बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि भाई आप कब खुशखबरी दोगे। तो फाइनली बेबी बॉर्न कमिंग सून। तो यही दोस्तों आज की खुशखबरी थी। और कुछ कहना चाहोगे? बस क्या कहना है, कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जब भाई दोस्तों पहली बार रश्मि ने मेरे को ये खबर सुनाई तो मैं थोड़ा सा हक्का बक्का सा रह गया, ये मतलब क्या है, मतलब खुशी भी अलग ही प्रकार की थी, मतलब ये मतलब एक्सेप्ट ही नहीं किया हमने कि इतनी जल्दी है हो जाएगा। पहले हम ये सोच रहे थे कि अभी थोड़ा सा रुक के, मतलब कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी, पर फिर हमने ये सोचा कि जब भगवान ने हमें इतना अच्छा मौका दे दिया है तो हम इसको भाई गंवाएंगे नहीं, इस मौके को हम हाथों हाथ ले लेंगे और भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे, माता रानी का शुक्रिया अदा करेंगे। क्यों जी मैडम जी? बिल्कुल। तो जब मैंने आपको पहली बार बताया तो आपको बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ है ना? बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ यार मेरे को। मैंने 4 बार टेस्ट करवाई मैडम से। आप लोगों का आशीर्वाद रहना चाहिए। बिल्कुल भाई, अच्छे से होना चाहिए सब, और सभी लोगों का आशीर्वाद चाहिए हमें। और हम काफ़ी देर में बता रहे हैं इसलिए कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इस चक्कर में, तो इस चक्कर में हमने काफ़ी लेट में बताया, तो उस चीज़ के लिए हम क्षमा चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं।
और फिर भी मैंने भाई आप लोगों को काफी ज्यादा हिंट दिए। क्यों मैडम तो लगी रही क्या कर रहे क्या कर रहे क्या मेरा मानना तो ये था कि अभी नहीं, हम अभी लास्ट नहीं। हाँ ये अभी भी तैयार नहीं हो रही थी, पर फिर मैंने सोचा यार कि एक दिन तो मतलब पता चलना ही है। फाइनली हमने आप लोगों को बता दिया है। बाकी दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही हो थोड़ी भी तो लाइक शेयर कमेंट भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और फिर बाकी मैं आज सोच रहा हूँ कि आज की वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं इन खूबसूरत नज़ारों के साथ में। अभी देखिए सनसेट हो रहा है अभी और क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत ही प्यारे से। और अभी हम दोस्तों सोच रहे हैं थोड़ी देर में कि लाइव भी आए अपने दोस्तों के साथ में, काफ़ी टाइम से लाइव भी नहीं आए। अर्ची भुल्ली भी आ गई है, ये देखो वेलकम वेलकम। तो अर्ची भुल्ली को पूछते हैं, अर्ची भुल्ली बुआ बनने वाली है, तब कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। है अपने गाने पहली छोटी बुआ। हाँ सही बात है, पहली बार बुनेगी और बहुत खुश हो रखी भाई अर्ची भी। हाँ बच्चे बहुत पसंद है। तो सभी लोग भाई इंतजार कर रहे हैं नए मेहमान का है। तो चले दोस्तों फाइनली भाई आज की वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर आपको थोड़ी भी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और थोड़ी बहुत भाई कमेंट भी कर देना। मिलेंगे जल्दी आपको एक और नई वीडियो में। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद जय देव भूमि उत्तराखंड।